जय हिंद डियर स्टूडेंट, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ रहे हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट बी, जिसका नाम है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स एप्लीकेशन इन डीसी मोटर। तो इसमें जो हमारे फर्स्ट हेडिंग है वो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई एक कंडक्टर रखा जाए तो उस पर एक फोर्स लगता है और उसे मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, और उसका एक स्पेशल नेम है यहाँ, एक मतलब स्पेशल तरीके से हम पढ़ेंगे। तो लेकिन क्या होता है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कि अपने पास ये कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, और याद रहे कि इस पूरे टॉपिक में हम जो जब कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो सेंस होता है वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड का जो सेंस होता है क्या होता है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कुछ है, मान लो बी, तो यहाँ पर भी बी ही होगा, चाहे जहाँ पर हम बात करें वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सेम ही होने वाला है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का यही मतलब है। और मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम किसी चार्ज को इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के में ऐसे रख दें और ऐसे चलाएँ, यानी कि वी स्पीड से, और ये मेरा चार्ज है, और किसी एक चार्ज को हम रख रहे हैं जो कि क्यू है और इधर चलाएं जिसकी स्पीड वी है, तो चाहे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चलाएं जहां पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, और चाहे हम मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलाएं जहां थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो, तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि इस पर कोई भी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स को एफ एम से लिखते हैं, तो उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है। एफ एम इज इक्वल टू कोई फोर्स नहीं लगता है, यानी कि इस चार्ज के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चले और चाहे मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चले। इसका ये मतलब हुआ 0 डिग्री पर और 180 डिग्री पर अगर कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलता है तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता है। लेकिन अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही है और हमने इसमें चार्ज को चलाया, क्यू चार्ज है, ये चलाया वी स्पीड के साथ, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड से उसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कितना है, थीटा एंगल पर है, भले ही वो थीटा 0 से बड़ा हो, तो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और इसी फोर्स को हम लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। और मोर अप्रोप्रिएट अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यही बात जो हमने आपको समझाया है, यही बात यहाँ लैंग्वेज में लिखा है कि चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है इन द डायरेक्शन ऑफ अदर दैन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से अदर दैन, ये थीटा जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, थीटा 0 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ना तो 0 होना चाहिए और ना तो 180 होना चाहिए। तो कह रहा है कि अदर देन मैग्नेटिक फील्ड से अगर वो चार्ज हमारा मूव करता है तो वो चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और उसी फोर्स को हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। तो आई होप लॉरेंज फोर्स आपको समझ में आया होगा कि अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम 0 डिग्री और 180 डिग्री से अदर देन किसी भी डायरेक्शन में अगर चार्ज को मूव कराते हैं तो वो चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक फोर्स फील करेगा, दैट पर्टिकुलर फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स, उसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे, लॉरेंज फोर्स बोलेंगे। अब कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलता है तो उस पर एक फोर्स लगता है और वो फोर्स वो फील करता है। एक्सपेरिमेंटली हम कैसे जानेंगे कि ये फोर्स वो फील कर रहा है? तो हमने यहाँ पर क्या रखा है, एक यू शेप का इलेक्ट्रोमैग्नेट बार, वो परमानेंट मैग्नेट रखा है, ये हमने यहाँ पर यू शेप का, या कह सकते हैं हॉर्स शू शेप का एक हमने परमानेंट मैग्नेट रखा है, और उस परमानेंट मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है, और ये मैग्नेट के बिल्कुल इस पोल के बीच में एक वायर हमने रखा है। सपोज कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, वाई डायरेक्शन में है, और हमारा जो वायर है वो वायर हमारा एक्स डायरेक्शन में है। वायर हमारा कैसे है, एक्स डायरेक्शन में है, वायर एक्स डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, और वायर हमारा ऐसे रखा हुआ है, यानी कि
हम ऐसा आपसे बताना चाह रहे हैं कि हमने वायर में वायर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल ले रखा है वो 90 डिग्री पर ले रखा है। एग्जैक्टली आपको ऐसा इसलिए नहीं पता चल पा रहा है क्योंकि हमारा जो स्क्रीन है वो स्क्रीन 3 डायमेंशनल ना होकर 2 डायमेंशनल है और मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट 3 डायमेंशनल में समझा रहा हूँ। और इस वायर को हमने सस्पेंड कर रखा है किसी एक इंसुलेटिंग स्टैंड के साथ, किसी एक इंसुलेटिंग स्टैंड के साथ, जो स्टैंड ये इस वायर से दो थ्रेड हल्के बहुत थ्रेड से ऐसे सस्पेंडेड हैं और इन थ्रेड को जो सपोर्ट दे रखा है ये सपोर्टर है। ये कौन है? सपोर्टर है, ठीक है। ये बहुत ही हल्के इंसुलेटिंग मटेरियल के बने हुए थ्रेड हैं, ठीक। और ये थ्रेड इतने इलास्टिक हैं कि अगर ये वायर किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये वायर उसको मूव करने दे रहे हैं, सिर्फ इसको बैलेंस करके रखे हैं कि ये गिर ना जाए वायर, ठीक है। इस जो वायर है, इस वायर का एक एंड ये है जिसको हम सी नाम दे रहे हैं, इस वायर का एक एंड ये है जिसको हम ए नाम दे रहे हैं। एंड वायर का जो एंड है ये ए, इसका कनेक्शन हम एक की से कर देते हैं, एक की से कर दे रहे हैं, एक की से कर दे रहे हैं। और की के अलग या दूसरे एंड का कनेक्शन हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कर रहे हैं और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल का कनेक्शन हम एक रियोस्टेट से उभरते हुए और उसके बाद यहाँ से वायर सी का कनेक्शन कर दे रहे हैं। ये वायर सी का कनेक्शन है, तो वायर सी का। जैसे हम की को प्रेस करेंगे बैटरी से इधर से करंट चलना स्टार्ट करेगा और करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये करंट का डायरेक्शन हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो वायर है वो जेड एक्सिस पर, उस पर एक फोर्स लगेगा और उस पर मोशन स्टार्ट हो जाएगा जेड एक्सिस पर, और जिस फोर्स की वजह से वो मूव करने लगा है उसी को हम लॉरेंज फोर्स बोलते हैं या हम उसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। ये वायर क्या होगा? मूव करना स्टार्ट कर देगा। इसी सेटअप को हम मतलब एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिससे हमको ये पता चल जाता है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम करंट फ्लो कराते हैं एक वायर में तो वायर पर एक फोर्स लगने लगता है जिसे हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? लॉरेंज फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो वायर है ये कुछ किसी भी मेटल का वायर हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पर जो वायर ले रखा है वो थिक कॉपर वायर ले रखा है और थिक इसलिए ले रखा है ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट जाए और फिर इसका मोमेंट भी आपको दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको बता ही दिया कि एक्स एक्सिस में आई करंट फ्लो हो रहा है, वाई एक्सिस में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और जेड एक्सिस में हम इस वायर पर लगने वाला लॉरेंज फोर्स है, ठीक है। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट मैग्नेटिक फील्ड एंड द फोर्स। तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर आपने एक्सपेरिमेंटली इस सेटअप से जान ही लिया है, तो उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन निकल कर आया है इस एक्सपेरिमेंट से कुछ ऑब्जर्वेशन निकल कर आया है। वो क्या है ऑब्जर्वेशन, हम उसको डिटेल में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। When no current flown in the wire, जब वायर में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा था तो इस वायर में पर कोई भी फोर्स लग ही नहीं रहा था। देर आर नो फोर्स एट ऑन द वायर, यानी कि वायर पर देखा गया कि फोर्स नहीं है, करंट नहीं है, तो कोई भी फोर्स नहीं है, ऐसा यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ठीक है। पहला कंक्लूजन तो ये निकल कर आया। और जब कोई भी फोर्स नहीं है तो वायर कोई भी डायरेक्शन में मूव ही नहीं किया, यानी कि मूवमेंट ऑफ वायर भी क्या हो गया? जीरो हो गया, मूव किया ही नहीं। दूसरे में देखो क्या है कि व्हेन करंट आई इज पास्ड थ्रू इन द वायर, जब इस वायर में करंट को पास करा गया, अब की बार अब जीरो नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ करंट आया, तो वायर पर देखा गया कि एक्सपेरिमेंटली कुछ फोर्स लगा, अब फोर्स भी जीरो नहीं है और वायर का मूवमेंट अब स्टार्ट हो गया, वायर भी अब मूवमेंट भी करने लगा और जिस डायरेक्शन में अब मूवमेंट हो रहा है वो डायरेक्शन क्या है? जेड है। और करंट का जो डायरेक्शन है वो एक्स डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है। तो व्हेन करंट आई इज पास्ड इन द वायर, जब करंट आई को पास किया गया वायर में, तो इन द डायरेक्शन फ्रॉम द ए टू सी इन द एक्स डायरेक्शन में, तो क्या देखा गया कि उस वायर पर, एसी वायर पर एक फोर्स एक्ट करने लगा और वो फोर्स जेड डायरेक्शन में एक्ट करने लगा परपेंडिकुलर टू द करंट, करंट के और मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों के परपेंडिकुलर उस पर एक फोर्स लगने लगा, ठीक है। तो जो हमने आपको यहाँ पर समझाया यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली, वही बात यहाँ पर लिख भी रखा है कि जैसे ही हमने करंट को फ्लो कराया, करंट को फ्लो होते ही हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट के दोनों के परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? एफ है, ठीक है, और वो जेड डायरेक्शन में लग रहा है। थर्ड यहाँ पर और क्या है कि ड्यू टू द फोर्स एफ द कंडक्टर बिगन टू मूव टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर ऑफ द आउटवर्ड डायरेक्शन, जो कि जेड डायरेक्शन हमने मान लिया है,
थर्ड पॉइंट क्या है कि इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रो इन अ वायर इज रिवर्स बाय द इंटरचेंजिंग द टर्मिनल ऑफ द बैटरी सो ऑल्सो रिवर्स। देखो ये है क्या चीज़, कह रहा है कि अगर मैं बैटरी की पोलरिटी को चेंज कर दूँ, बैटरी की किसको चेंज कर दूँ, पोलरिटी को चेंज कर दूँ, ये हमारा नेगेटिव पोल हो गया और ये हमारा पॉजिटिव पोल हो गया, तो अब करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। करंट का डायरेक्शन अगर इधर हो गया, करंट का डायरेक्शन इधर होगा, तो अब एक बात बताना कि करंट का डायरेक्शन अब इधर हो गया, करंट का डायरेक्शन इधर हो गया, आई इधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इधर है। अब जो फोर्स लगने वाला है वो कैसे किधर लगने वाला है, इस स्क्रीन से बिल्कुल परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब हो गया जेड डैश एक्सिस में ये फोर्स लगने वाला है। किधर लगने वाला है, जेड डैश एक्सिस में लगने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चेंज कर देते हैं, क्या चेंज कर देते हैं, इस वायर में फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्शन को, तो फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। अगर करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो फोर्स का डायरेक्शन भी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। यही बात हमने यहाँ पर लिख रखी है, ठीक है। ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कह रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑल्सो रिवर्स। डायरेक्शन ऑफ, देखो यहाँ पर तो हमने आई की करंट डायरेक्शन को रिवर्स किया था लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को यही रखा था, तो हमने देखा जेड डैश एक्सिस में हो रहा है। लेकिन अगर हम आई को ऐसे ही रखें, आई को ऐसे ही रखें और बी को इधर ना लेकर वाई डैश एक्सिस में लगाएं, तो भी हम देखते हैं कि इसके मूव करने का डायरेक्शन भी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि हम आई में, बी में, किसी भी में चेंज करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ द फोर्स उस कंडक्टर का क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है बेटे। अब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देख लेते हैं कि जो फोर्स हमारा इस पर लग रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट के फ्लो कराने से इस पर जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई, कितना होगा जिस जो फोर्स होगा। अभी तक आप यही बोल रहे हो फोर्स लग रहा है, लेकिन कितना फोर्स लग रहा है ये जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि फाउंड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग इन द वायर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड में उस वायर को प्लेस्ड किया जाता है करंट कैरिंग कंडक्टर को, तो करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक फोर्स लगने लगता है और उस डायरेक्शन में वो फोर्स लगता है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, उसी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगने लगता है। तो ये फोर्स किन्हीं थ्री फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर हैं, उन फैक्टर्स पर हम लोग बात करते हैं। पहला फैक्टर यह है कि वो लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें फ्लो होने वाली करंट के। इसका मतलब जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा फोर्स, जितना कम करंट उतना कम फोर्स। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये किस पर डिपेंड कर रहा है, उसमें फ्लो होने वाली करंट पर। करंट ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा, करंट कम तो फोर्स कम। तीसरा फैक्टर क्या है कि वो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला सिंबल यहाँ पर लगेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो फोर्स भी स्ट्रांग होगा, मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा तो फोर्स भी वीक होगा, डायरेक्टली का यही मतलब होता है, ठीक है। थर्ड जो फैक्टर है कि वो मैग्नेटिक फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है लेंथ ऑफ द वायर के ऊपर। मतलब अगर लेंथ ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, लेंथ कम है तो फोर्स कम लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मान लो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक है, उस मैग्नेटिक फील्ड का लेंथ इतना है मान लो एल, तो इस पर फोर्स लग रहा है एफ, और इस लेंथ को हमने बढ़ा दिया, कैपिटल एल कर लिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो अब उस पर फोर्स जो होगा वो मान लो एफ टू कर लेते हैं, इसको एफ वन कर लेते हैं, तो एफ वन जो है वो एफ टू से कम होगा, क्योंकि हमने लेंथ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बढ़ा दिया, तो ज़्यादा फोर्स लगेगा इस पर, ठीक है। कम लेंथ होगा तो कम फोर्स लगेगा इस यहाँ पर। इन तीनों इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड को जब हम मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई बी एल मिलेगा। प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा के आई बी एल। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि इस के की वैल्यू जो है वो वन है, तो एफ इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, आई बी एल मिलेगा। लेकिन ये जो आई बी एल है इसमें हमने ये देखा कि फोर्स और करंट और मैग्नेटिक फील्ड ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी केसेस हमारे पास अवेलेबल हैं कि जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ना होकर जीरो से बड़ी होकर कोई भी एक वैल्यू रख सकती है, तो फिर हम आर्बिट्रेरी किसी भी एंगल पर बात करें तो फिर ये इक्वेशन, ये तो फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। स्टैंडर्ड क्या कह सकते हैं, ये तो एक
कह सकते हैं कि एक स्पेशल केस का इक्वेशन हो गया। इसका जनरलाइज इक्वेशन लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, इसका जनरलाइज इक्वेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो इसका जनरलाइज्ड इक्वेशन में एफ इज इक्वल टू, ये फार्मूला होता है आई वी एल साइन थीटा होता है। क्या होता है? आई वी एल साइन थीटा होता है। अब थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री रख दो तो देखो यही फार्मूला मिल जाएगा, आई वी एल और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और एफ इक्वल टू आई वी एल मिल जाएगा आपको। तो हमने क्या देखा कि जब कभी भी आई और बी और यहाँ पर एफ, ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगे तो यही फार्मूले मिलते हैं, लेकिन अगर 90 डिग्री से अदर देन कोई भी एंगल होगा तो फिर हमें यही वाला इक्वेशन लगाना पड़ेगा। 90 डिग्री रहेगा तो ये इक्वेशन वैलिड है, लेकिन 90 डिग्री से अदर कोई भी डिग्री रहेगी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो हमें ये वाला इक्वेशन लगाना पड़ेगा क्योंकि ये जनरलाइज्ड इक्वेशन है और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये किसी स्पेशल केस के लिए इक्वेशन है। हालांकि जो हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप में दिखाया वो एक स्पेशल केस के लिए है, तो हमें यही इक्वेशन यूज़ करना है, लेकिन जनरलाइज्ड इक्वेशन हमको यूज़ करना है, आई वी एल साइन थीटा यूज़ करना है। अगर मैं यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो यहीं से हम क्या देख लेंगे कि बी इज इक्वल टू एफ अपान क्या हो जाएगा, आई एल, क्या हो जाएगा, आई एल साइन थीटा, और ये एक मैग्नेटिक फोर्स है तो फोर्स ही, तो इसकी यूनिट न्यूटन हो जाएगी। आई एक करंट है तो इसका यूनिट एम्पियर हो जाएगा। एल एक लेंथ है तो इसका यूनिट मीटर हो जाएगा। साइन थीटा का यूनिट नहीं होगा, रेडियन होगा हालांकि, तो रेडियन हम लिख ही नहीं रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होगी न्यूटन अपान एम्पियर मीटर होगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन अपान एम्पियर मीटर हो जाएगा। और एक न्यूटन अपान एम्पियर मीटर को हम टेस्ला से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? टेस्ला से लिखते हैं, या वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स बिकॉज ऑफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिजिक्स में यूनिट, तो हमने यूनिट भी यहाँ पर पढ़ लिया। तो इस लेक्चर में बस हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।